गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस ऑफ क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 4, द प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सदरन प्लेट्यू के बारे में और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। द सदरन प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है? एक एरिया होता है फ्लैट लैंड का, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होता है। इसे हम हिंदी में पठार भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। ये एक अनइवन और रॉकी सरफेस होता है। जो पठार का क्षेत्र है, ये इंडिया में एक्सटेंड हो रखा है, फैला हुआ है नदरन प्लेन्स के साउथ से लेकर इंडिया के सदरन टिप तक, मतलब कि दक्षिणी शीर्ष तक। There are several hill ranges in the plateau regions, the Aravalli range in the northwest, the Rajmahal hills in the northeast। और इस पठार में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिनमें से नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली रेंज है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ राजमहल हिल्स हैं, ठीक है, और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं। सदरन प्लेट्यू जो है इंडिया का, ये बेसिकली कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है? ये कवर करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नर्मदा रिवर जो है, ये इस प्लेट्यू क्षेत्र को, इस प्लेट्यू रीजन को दो भागों में बांटती है। फर्स्ट है द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ और सेकेंड है डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है, ये है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर के बीच का जितना भी एरिया है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड आर, जो नदियां यहां से निकलती हैं, वो हैं चंबल, बेतवा और सोन। चंबल और बेतवा, ये दोनों नदियां नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं, बहती हैं और यमुना रिवर को ज्वाइन करती हैं, यमुना रिवर में जाके मिल जाती हैं। नर्मदा और तापी जो हैं, ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती हुई वेस्ट की तरफ चली जाती हैं। मालवा पठार अरावली हिल्स से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ से विंध्य हिल्स के साथ घिरा हुआ है। मालवा पठार की ब्लैक सॉयल बहुत ही फाइन है। यहाँ पर कॉटन अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड्स, मिनरल्स, कोल, आयरन, मैगनीज, बॉक्साइट, माइका, ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है। कोल माइनिंग के सेंटर हैं, कोयला निकलता है, जैसे कि यहाँ पर है झड़िया, बोकारो और रानीगंज, ये मेन कोल माइनिंग सेंटर हैं, कोयले की खदानें हैं जहाँ बहुत सारा कोयला मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के कुछ हिस्से, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सब जगहें सेंट्रल हाईलैंड के एरिया में फॉल करती हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे हिस्से के बारे में सदरन प्लेट्यू के, जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ है और सतपुड़ा पहाड़ियों की तरफ है। वेस्ट की तरफ अगर हम जाएं, तो इसे वेस्टर्न घाट्स ने घेरा हुआ है। नीलगिरी, अनावलाई और कार्डमम जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट की। बहुत ज़्यादा गोल्ड, सोना इंडिया का कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका में। आयरन और माइका, ये भी इसी पठार में मिलता है। ईस्टर्न घाट जो हैं, वो यहाँ का बॉर्डर बनाते हैं इस पहाड़ी एरिया का, जो कि थोड़े से छोटे हैं। अब इस रीजन में, इस क्षेत्र में, इस पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं डेक्कन प्लेट्यू में? द प्लेट्यू एरियाज़ आर इरीगेटेड बाई मेन रेन फेड रिवर्स, जहाँ पर बारिश वाली नदियाँ, बरसाती नदियाँ हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। मॉनसून्स में जब बरसातें होती हैं, दे आर फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी होती हैं और लगातार बहती रहती हैं, पर सूख जाती हैं जैसे ही गर्मियों का महीना आता है। नर्मदा और तापी जो है, ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। डैम्स भी बने हुए हैं यहाँ, बांध बने हुए हैं। डैम्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है? इरीगेशन, सिंचाई के काम आते हैं और बिजली बनाने के काम आते हैं। मेटोर डैम बना हुआ है कावेरी नदी पर और नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है कृष्णा नदी पर।
बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर नदियों में से झरने जहाँ पर रिवर्स वाटरफॉल फॉर्म करती हैं, नदियों में से झरने बहते हैं। तो जोग फॉल जो है शरावती नदी में कर्नाटका में, ये बहुत ही ऊंचा फॉल है, सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ज़्यादातर लोग जो यहाँ के हैं वो फार्मर्स हैं, किसान हैं। यहाँ पर मिलने वाली ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी बहुत ही अच्छी है कॉटन की खेती के लिए, ऑयल बी सीड्स के लिए जिनमें से उन बीजों में से तेल निकलता है, ग्राउंड नट, मूंगफली, चावल, राइस, शुगर केन, गन्ना, वीट, गेहूं, मिलेट्स, बाजरा, ये सब चीज़ें यहाँ उगाई जा सकती हैं। यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और वेस्टर्न घाट पर बहुत ही अच्छे जंगल में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जंगलों से हमें लकड़ी वगैरह मिलती है ना, हर्ब श्रब्स ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और क्या मिलता है यहाँ, कॉफ़ी, टी, काली मिर्च, रबड़ की बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कोल और माइका। कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइन है, मतलब सोने की बड़ी बड़ी खदानें वो कहाँ मिलती हैं, कर्नाटका में। हमारे भारत का तकरीबन सारा सोना इसी खदान में से निकाला जाता है। बच्चों हो रही है ना हैरानी आपको, सोना भी खदानों में से निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर बड़ी बड़ी खदान बनी हुई है, उनके अंदर सोना मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट इंडियन डिज़र्ट के बारे में, मरुस्थल के बारे में। टू द साउथ वेस्ट ऑफ द नदरन प्लेन्स लाइक द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द रन ऑफ कच इन गुजरात प्लेन्स इन द साउथ टू हरियाणा इन द नॉर्थ। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये रन ऑफ कच गुजरात के प्लेन एरिया से लेकर नॉर्थ में हरियाणा तक फैला हुआ है, और ईस्ट में इसके अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं संसार की। ये बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर करती हैं पश्चिमी राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान का, और एक्सटेंड होती हैं पाकिस्तान वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड। ये कम से कम 800 किलोमीटर लंबा है और 500 किलोमीटर चौड़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके क्लाइमेट, वेजिटेशन और लाइफ के बारे में, यहाँ की जलवायु, यहाँ पर मिलने वाले वनस्पति और जीवन शैली के बारे में। यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ही गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं, जबकि सर्दियाँ बहुत ही ठंडी, मतलब सर्द ऋतु में सर्दी होती है बहुत ज़्यादा और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिन का तापमान गर्म होता है और रात का तापमान ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो रेत है, रेत दोपहर के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है रात को। देयर इज़ वेरी लिटल रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ शुष्क रहता है मौसम, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स उग नहीं सकते हैं रेतीली मिट्टी में। कुछ जगहों पर बिखरी हुई झाड़ियाँ होती हैं और बहुत ही कांटे वाले पौधे मिलते हैं यहाँ। यहाँ की ज़मीन शुष्क होने के कारण वनस्पति जो है बहुत कम है। यहाँ पर तूफान उड़ते हैं रेतीले, जो जैसे ही गर्म हवाएं चलती हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं इन सैंड के पार्टिकल्स से, जिन्हें हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स एक जगह पर नहीं रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, मतलब जैसे ही तेज़ हवा आई तो एक जगह से दूसरी जगह बन जाते हैं। पानी की कमी होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। मैनी पीपल इन द डेजर्ट लेड अ नोमैडिक लाइफ। जो इस मरुस्थल की जगह पर रहते हैं वो घूमंतु जीवों की तरह जीते हैं, मतलब कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, फिक्स नहीं है इन लोगों के रहने की जगह, ये घूमते ही रहते हैं, और इन्हें हम कहते हैं बंजारा, जो नोमैडिक है। कैमल यहाँ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। कैमल्स के पैडेड फीट होते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है, ज़्यादा दूरी नाप सकता है बिना ज़्यादा कुछ खाए और बिना ज़्यादा पानी पिए। वाटर जो है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है डेजर्ट में, और बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है और एक तालाब बना देता है। इस तरह के तालाब को हम कहते हैं ओएसिस। गाँव जो हैं वो ओएसिस के आसपास ही रहते हैं, मतलब गांव बन जाते हैं जहां पर ओएसिस फॉर्म होता है। यहां खजूर, बबूल, कीकर और कांटेदार झाड़ियां उगती हैं। यहां के मशहूर शहर हैं जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर।
इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है वो लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं बाहर विदेशों से, बाहर के देशों से। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा किले बने हुए हैं, महल बने हुए हैं जो कि राजपूत घरानों ने बना रखे हैं। यहाँ और कौन कौन सी जगहें हैं देखने वाली? थार डेजर्ट है जो कि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की जगह को घेरता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर किले देखे जा सकते हैं इन तीन शहरों में। और राजस्थान में स्पेशली बहुत ज़्यादा किले हैं। जयपुर में हम हवा महल और एम्बर फोर्ट भी देख सकते हैं। उदयपुर यहाँ का एक बहुत ही राजसीय शहर है। जो भी यहाँ आता है वो झील वाला महल ज़रूर देखता है जो कि लेक पिचोला के पीछे बना हुआ है। माउंट आबू सिर्फ एक ऐसी जगह है राजस्थान में जो कि हिल स्टेशन है, जहां पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं हर साल। अजमेर शरीफ की दरगाह भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, मतलब कि यहां पर आते हैं, तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ की दरगाह। और पुष्कर झील और मेला भी यहां पर लगता है, मंदिर भी हैं यहां पर, बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। थार डेजर्ट में सफारीज, पर्यटक लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर घूम भी सकते हैं, जिसे हम जंगल सफारी भी कहते हैं। यहाँ मरुस्थल सफारी का आनंद लेते हैं। और तो और इस मरुस्थल में त्यौहार भी मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं रेगुलरली, ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके संसार के अलग अलग भागों से। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर